नमस्कारम, बिग सल्यूट टू द सन इनसाइड यू, द सन इनसाइड मी सल्यूट्स टू यू. वेलकम एवरीवन अक्रॉस द वर्ल्ड एंड इंडिया इनटू दिस वेरी स्पेशल, वेरी यूनिक, मे बी वन ऑफ इट्स काइंड सेशन. शायद दुनिया में पहली बार ऐसे कुछ अनरैवल किया जा रहा है सूर्य नमस्कार के मंत्रास के बारे में. तो इसमें आपका देश भर, दुनिया भर, जहां पर भी है, wherever you are, a big hearty welcome. तो जो जो सूर्य नमस्कार के प्रेमी हैं, आधे प्रेमी हैं, पूरे प्रेमी हैं, सूर्य नमस्कार से दूर है, ऑल दोज हु लव सूर्य नमस्कार और पार्शली आर इन लव विद इट और आर फार अवे फ्रॉम इट, ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू गेट अ वेरी डीप पर्सपेक्टिव ऑफ हाउ टू गो अबाउट इट एंड your connection with it is going to grow much more and the benefits that are going to flow to you are immeasurable. aapko jo sahi dhang se gehrai se surya namaskar karke fayda hone wala hai aaj ke baad is video ke baad uski ginti nahi kar sakte hain kya impact aane wala hai. okay, so aaj ka session is on unraveling, matlab kuch aise gud satya rehte hain जिनको समझना मुश्किल हो जाता है या टाइम लगता है. और मुझे 47 साल लगे हैं, 47 years. ओके, आई हैव टेकन टू अंडरस्टैंड एक्सपीरियंस द डीपर मिस्टिक पावर्स ऑफ द मंत्रास एसोसिएटेड विद सूर्य नमस्कार. सूर्य नमस्कार के साथ जो मंत्र जुड़े हुए हैं कब से कहते आ रहे हैं, लेकिन उनका जो गूढ़ रहस्य है, गहरा सत्य है, अभी अभी महीने भर पहले ही पता चला है. जस्ट वन मंथ बैक आई हैपन टू डू 108 सूर्य नमस्कार इन साइकल्स ऑफ 12 विद ब्रेक्स इन बिटवीन. ओके, प्रॉपरली, स्लोली, विद प्रॉपर फॉर्म, विद प्रॉपर ब्रीदिंग, विद प्रॉपर मंत्रा चैंटिंग, मंत्रा चैंटिंग के साथ, ब्रीदिंग के साथ, प्रॉपर फॉर्म के साथ मैंने 108 सूर्य नमस्कार लगाए 12-12 के बैचेस में, बीच में ब्रेक ले लेके. 1.5 घंटा लगा, 1.5-2 घंटा, लेकिन उसमें कुछ कुछ अद्भुत अनुभव आए, सम वेरी डीप एक्सपीरियंसेस हैपेंड ड्यूरिंग दैट एंड इवन आफ्टर दैट फॉर द लास्ट वन मंथ. अभी तक मैं प्रोसेस कर रहा हूँ, मैं आई एम जस्ट काइंड ऑफ ट्राइंग टू इंटीग्रेट ऑल दैट हैज हैपेंड फ्रॉम दैट सेशन. सो हियर्स दिस वंडरफुल सेशन फॉर ऑल ऑफ यू, लेट्स गेट ऑन विद अंडरस्टैंडिंग इट राइट अवे. So, सूर्य नमस्कार, सूर्य, सूर्य नमस्कार और सन सल्यूटेशंस, वी ऑल नो इट्स वर्ल्ड फेमस, इट्स अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ योगिक ट्रेडिशन, हमेशा रहता है. कॉमन नॉलेज में क्या क्या है, इट इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ योगा पोस्चर्स, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में है. और अगर आप 12 सेट भी कर लेते हैं, इवन इफ यू डू 12 सेट्स, यू आर आई मीन actually doing some 288 powerful yoga poses in 12 to 15 minutes. 12-15 minute mein aapne already 300 poses kar liye, wo hisab se hota hai. So ye common knowledge hai, deeper wisdom jo maine jani hai, anubhavi hai, usme se ek cheez main bahut bahut gehra dhanyawad dena chahta hu to grandmaster Akshar of Akshar Yoga, Akshar Yoga's grandmaster Akshar. I really want to give a big thanks because that was one what do you say, doorway of jumping deep into this. एक छोटी सी उन्होंने बताई कि हनुमान जी की देन है ये, you know, Lord Hanuman has gifted this beautiful exercise, which is a complete exercise, not only physically complete in sense, in terms of strength, stamina and flexibility, but also emotionally and spiritually. अलग अलग स्तर के लिए ये complete व्यायाम हमको हनुमान जी ने गिफ्ट किया हुआ है. और वो सुन के मुझे बड़ा आनंद आया. आई हैड नेवर रजिस्टर्ड बिफोर, पहले मैंने रजिस्टर नहीं किया था कि दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम लॉर्ड हनुमान. एंड देन व्हेन आई वाज डूइंग दोस 108 सूर्य नमस्कार, आई वाज ट्राइंग टू गेट इनटू दैट इमोशनल स्टेट, उस इमोशनल स्टेट में जाने की कोशिश कर रहा था जिसमें लॉर्ड हनुमान पहुंचे रहेंगे जब उन्होंने ये किया रहेगा. आई मीन इट वाज जस्ट अ लिटिल क्रेजी, थोड़ा सा पागलपन था, बट वो करने की कोशिश कर रहा था. आई वाज ट्राइंग टू डू दैट and getting into that flow of chanting and gratitude, because this actual salutation is namaskara, you know, you're paying your gratitude to sun god and you know receiving energy from sun and you know feeling like the sun,
you're feeling brilliant like the sun. So while I was doing all that process, I really experienced that whole process itself has liberated me of certain physical and emotional challenges. Not that I have my major emotional challenges, कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, बट ऑल ऑफ अस हैव थिंग्स टू वर्क अपॉन, सबको कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है. तो फिजिकली इमोशनली मेरे अंदर बहुत पिछले महीने भर में परिवर्तन आया है, और फिर समझ में आया कि देयर इज अ डीप एसोटेरिक मीनिंग व्हिच इज नॉट फुली कॉम्प्रिहेंडेड एंड पॉपुलर. अभी तक जो भी योगाचार्य मुझे मिले हैं, जो भी योगाभ्यासी मुझे मिले हैं, कहीं पर भी ये इतना गहन उसका क्या उसको बोलते हैं अभ्यास नहीं अनुभव किया है मैंने. सो इतने सालों से लोग सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, और आई एम वेरी एक्साइटेड, वेरी वेरी एक्साइटेड टू शेयर विथ यू व्हाट आई हैव लर्न्ड, विच इज अंदर से उपजा हुआ है, अंदर से आया हुआ है, ऊपर से फ्लो हुआ है, जो कॉम्बिनेशन बोलो, व्हाटएवर यू फील लाइक सेइंग इट. आई हैव रिसीव्ड सम, समथिंग हैज कम फ्रॉम इनसाइड एंड इट्स गॉट अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन. सो फिजिकल गाइड, वी ऑल नो, वी स्टार्ट विद द नमस्कार, वी गो बैक, वी गो डाउन, एक पैर संतुलनासन, फिर यू नो अष्टांग मुद्रा, फिर वापस भुजंगासन टाइप पर्वतासन करते हैं, अधोमुखी श्वानासन. सो ऑल दिस थिंग्स चक्रास यू ऑल नो. आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ सूर्य नमस्कार टुडे, उसके लिए बहुत सारे वीडियोज हैं और बहुत सारे पिक्चर्स भी है, यू कैन गो थ्रू दैट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. व्हाट आई एम गोइंग टू फोकस ऑन इज द मंत्रा पार्ट, बिकॉज दैट इज द क्रूशियल पार्ट. सबसे पहले सूर्य नमस्कार में 6 बीज मंत्रों का इस्तेमाल होता है, 6 बीज मंत्रास. ओके, स्टार्ट विद, लेट्स डू इट टुगेदर. हम दोनों जो भी हैं अभी मुझे देख रहे हैं, जब भी टाइम, ये मई 2020 का रिकॉर्डिंग हो रहा है, लेकिन मुझे पता है कि ये सालों तक लोग अनुभव करते रहेंगे, फील करते रहेंगे. वी कीप लर्निंग फॉर इयर्स एंड इयर्स, यू नो आई विल बी कीपिंग लर्निंग टू लर्निंग अबाउट इट फॉर इयर्स एंड इयर्स. सो व्हेनेवर यू सी दिस वीडियो, प्लीज जॉइन इनटू the mantras and try and understand the mantras. So the 6 beej mantras are something as follows over here. Yahan pe diya hua hai, Ram hai, Om Ram, Om Reem, Om Room, Om Raim, Om Raum and Om Raha. So let's just try and feel it in the body. Thoda body mein feel karte hain. So just warm up your palms, thoda sa hatheliyon ko ragad lete hain, and keep them opened up in your thighs. बहुत गहरे नहीं जाएंगे, विल नॉट गो वेरी डीप, विल जस्ट ट्राई एंड एक्सपीरियंस इट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, शरीर के अलग अलग इलाकों में इसको अनुभव करने की कोशिश करेंगे. तो सब लोग कहेंगे राम, जस्ट फील राम राम राम, फील इट इन द लोअर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, राम, वंडरफुल. लेट्स गो लिटिल अप, थोड़ा ऊपर जाते हैं, अगला वाला महसूस करते हैं विद आवर आईज क्लोज, रीम 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 रीम. थोड़ा ऊपर पेट के अंदर शायद महसूस होगा, यू माइट फील इट लिटिल बिट अपवर्ड्स इन योर टमी एरिया. देन वी गो अपवर्ड्स, रूम 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 रूम. सो यू फीलिंग इट मे बी इन योर हार्ट एरिया, हृदय के आसपास, छाती के अंदर आप महसूस करेंगे रूम. फिर आता है राइम 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 राइम. थोड़ा और ऊपर गले के अंदर, लिटिल बिट अपवर्ड्स इनटू योर नेक एरिया, राउम 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 राउम. So, थोड़ा और ऊपर सिर के अंदर जाने वाला, starts going towards your head, and the last one, raha 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 raha, starts opening up your head even more, आपके सिर के ऊपर वाले हिस्से को और खोलने लग जाता है. So, राम रीम रोम राइम Om, Raha, okay? So, it's kind of going from bottom to top. Simple, nothing very complex. Har ek system mein aake khol sakte hai, you can open your eyes. Har ek system mein usually the energies are kind of channelized from bottom to top. So,
please know that these beech mantras are attached to the main mantra of the Surya Namaskar. Shuruaat mein attach hote hain. Okay? Aur iski do cycles hoti hai. Ye 6 beech mantra ki do cycle hota hai. To main jab kar raha tha 108 Surya Namaskar, main soch raha tha ki ye do cycles kyun hai? Why is it like this? And something interesting came up. So I'm presenting to you what came up. I felt the first cycle is more of a gross cycle, outward cycle, more of a physical cycle. First is mera bola tha Om Ram Mitraya Namaha. Okay, so you call on to the sun god as a friend. Aap usko ek dost ke liye, dost ki tarah unko pukar rahe hain, Om Ram Mitraya Namaha. So my friend is on its way. Now the way it got visualized is ki jab suraj ugne wala hai, before the sunrise, you see the horizon changing. Okay, आपको दिखता है कि थोड़ा कलर चेंज हो रहा है, इट्स चेंजिंग एंड देन यू फील ओह माय फ्रेंड इज कमिंग, ही इज ऑन इट्स वे. ओके, सो यू स्टार्ट वेलकमिंग एंड यू स्टार्ट वांटिंग एवरीबॉडी टू एक्सपीरियंस इट. सो यू से ओके ओम राम मित्राय नमः, फ्रेंड इज ऑन इट्स वे, आई एम फीलिंग ग्रेट ग्रेटिट्यूड टू इट, नमः, आई बाव अनटू यू, एंड दैट्स व्हेन द होल प्रोसेस स्टार्ट्स. ओके, सो द होल प्रोसेस स्टार्ट्स विद मित्राय, इट डजंट स्टार्ट विद सूर्याय. It doesn't start with Surya. It was very interesting. Why Mitraya first? Because the sun hasn't risen right now. It's more of a physical cycle where you're visualizing. आप visualize कर रहे हैं कि sun god ऊपर आ रहे हैं, आने वाले हैं. And by the time you maybe finish one or two namaskars, then you know the outer upper ring of the sun is visible. And then you say, oh, Om Bhim Ravaye Namaha. Ravaye, raise. Ravaye, raise. Similar words. So you see the first few rays, the top circle of sun coming in, you say, wow, amazing. Om Reem Ravaye Namaha, I bow unto the initial rays that come from you. Then you go to the next part, and that is Om Rom Suryaya Namaha. You feel the, you can see the full sun, pura sun dekh pa rahe hain aap, aur fir aap bol rahe hain, ah, lovely, Om Rom, my heart is filled, you know, with room, and I say lovely, entire sun, I can see, I can visualize the entire sun, and sun is there, wonderful, great. And while I was doing all this, all was happening, and I say kar raha hu main 108 surya namaskar, ye kuch kuch ho raha hai. Fir bhanave aata hai. Bhanave comes from the word abha, which is light, which is the aura. So om raim bhanave namah, I see the aura around the sun, main sun ke aas paas ki aura dekh raha hu. Okay, wonderful, very nice. So first there was no sun, pehle koi bhi surya nahi tha, sirf sky change hua tha, fir rays aayi, fir pura suraj aaya, aur abhi suraj ke aas paas ki aabha mujhe dikh rahi hai, bhanave namah, aur wo dekhte dekhte bolta aah maza aa raha hai. I'm saying great, wonderful, if you are Hanuman ji, you can, you know, kind of emulate yourself, aap jaake baithiye Hanuman ji ke hriday mein aur soche Hanuman ji ke andar kya hota rahega, what might be happening inside him when he is doing this. He's saying wow, बढ़िया, ओके, आभा आ गई बाहर, बहुत अच्छी बात. अब जहां पर मैं खड़ा हूं और जहां पर सूर्य है, इसके बीच में आकाश है, ओके, आकाश है, there's a big sky in between me and the sun, and I can see the whole sky changing its colors. Om Raum Khagaya Namaha. Khagaya is the whole sky, so I visualize the whole sky changing its colors. Wow, amazing. Okay, and as I see the sun rising, full sun, light, the whole sky changing its colors, then I say, Babba, wonderful, ah ha ha ha, Om Raha Ushne Namaha. So I'm saying, now you give me the nourishment, your light, okay, your energy is giving me nourishment, Ushne Namaha, mere andar pushti aa rahi hai, I'm becoming stronger with you. So now you are moving away from just visualizing the sun. सन को सिर्फ विजुलाइज नहीं कर रहे हैं, उसकी जो ऊर्जा आ रही है उसको ग्रहण कर रहे हैं, उससे पुष्टि पा रहे हैं. सो दिस इज द आउटर साइकिल, बाहर की साइकिल है, और इसके बाद वापस राम रीम रूम रोम राम रहा आता है, एंड दैट आई फेल्ट वाज कंप्लीटली इजोटरिक. इट वाज नॉट सो मच लिंक्ड विद द फिजिकल पार्ट, इट वाज अ मच डीपर थिंग, इट वाज मच मोर इनवर्ड, इट वाज मच मोर सटलर, इट वाज मच मोर एनर्जेटिक. तो सेकेंड साइकिल जो होता है, ओके, उसमें आप और गहराई में चले जाते हैं.
तो इसको पहले एक बार वापस हजम कर लेते हैं. लेट जस्ट डाइजेस्ट दिस पार्ट. वेरी सिंपल. ओम. सो व्हेन एवर यू डू इट, अभी जब भी आप करेंगे तो आप ऐसे भी कर सकते हो. ओम राम मित्राय नमः, एंड देन यू गो बैक. कि आप कभी पीछे जाने वाले हैं. अभी कॉमन नॉलेज में क्या होता है, वन हु इज फ्रेंडली टू ऑल, ऐसा लिखा रहता है, आप इंटरनेट पे देख लीजिए, एंड दैट्स परफेक्टली फाइन. लेकिन पर्सनलाइजेशन नहीं है. लुक, नॉर्मल जो मीनिंग्स है ये सारे मंत्रों के, दे आर नॉट इनवोकिंग एनी ग्रेट फीलिंग्स. उनके अंदर से कोई फीलिंग नहीं आ रहा है, उनके अंदर से जीरो विजुअलाइजेशन आ रहा है. विजुअलाइजेशन बिल्कुल नहीं आ रहा है, बहुत कम आ रहा है, थोड़ा बहुत आ रहा है, बट गहराई से सीक्वेंस में नहीं आ रहा है. इट इज नॉट कमिंग इन अ सीक्वेंस. अगर हनुमान जी ने कुछ बनाया है, कुछ सीक्वेंस में बनाया, कुछ लॉजिक से बनाया होगा ना, कुछ ना कुछ कारण होगा. आई मीन इफ समबडी हैज अ डिवाइन एंटिटी has created a certain system with a certain logic inside it, there must be some reason for it. Okay, so it just can't be that he's a friend and he's this and he's that and we are just singing the glory of him. No, he wants us to connect with it. So my friend is on the way. I see it as I see the sky just before dawn. I invite others, sabko bulata hu, come one, come all, witness the beauty and bow unto thee. And you need to visualize. So if you want to harness the full power of surya namaskars, par aapko surya namaskar ki puri shakti ko इस्तेमाल करना है, जागरूक करना है, तो आपको विजुलाइज करना है आंखें बंद करके. जैसे आप बोल रहे हो, ओ राम मित्राय नमः, सो यू कैन गो इनटू दैट एंड यू फील द फ्रेंड. जब ऐसे करते हैं ना तो विजुलाइज करना है पूरा स्काई, वंडरफुल एक्सपैंडेड स्काई. ओके, एंड जस्ट द लाइट इज बिकमिंग लिटिल लाइट. माय फ्रेंड इज ऑन द वे, नीड टू फील इट एंड द ग्रेटिट्यूड फॉर द वंडरफुल पावरफुल फ्रेंड दैट यू हैव. Okay, if you have such a friend, if sun becomes your friend, what do you have to fear? What do you have to fear? Nothing. The biggest source of energy on this earth is your friend. Okay, so you kind of draw energies from those. Uske andar se aap urja le rahe hain. Visualize the expansive horizon just before dawn when the sky starts getting lit up. That's the first one. Second is Om Reem Rave Namah. इसमें कितना इमोशन डालना है आपके ऊपर है. हाउ मच यू वांट टू पुट इट इनसाइड शूज. सो कॉमन नॉलेज में व्हाट इज रिटन इज द शाइनिंग ऑफ द रेडिएंट वन. वी ऑल नो सन इज द शाइनिंग ऑफ द रेडिएंट वन. व्हाट आई फील वेरी स्ट्रांगली दैट लॉर्ड हनुमान इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट इज द होल जर्नी. सो आई सी द इनिशियल रेज रवई द शिमरिंग लाइट एंड आई बाव अन टू दी. मैं उसको नमन करता हूँ, ग्रेटिट्यूड देती हूँ. Visualize the initial upper outer edge of the sun with light at the time of the dawn. ऊपर से जो आ रहा है ना उसको विजुलाइज करना है. ओम रीम रवाई के टाइम पे. वंडरफुल. तीसरा आता है ओम रूम. योर हार्ट गेट्स इन्वॉल्व. सूर्याय नमः. यू गो बैक अगेन. ओके, सो द डिस्पेल ऑफ डार्कनेस, यू नो, रिस्पॉन्सिव जनरेटिंग एक्टिविटी, ये सब कॉमन मीनिंग्स आते हैं, आप इंटरनेट पे देखिए. और जो जो प्रतीत होना चाहिए, जो जो वेदना होनी चाहिए, जो वेद आपके अंदर जगना चाहिए, व्हाटएवर यू नीड टू फील एज वाइब्रेशन इज आई एम एबल टू नाउ सी द फुल सन एंड आई बाव अनटू दी. आई बाव अनटू दिस फुल सन व्हिच हैज कम अप. ओके, फुल सन स्माइलिंग एंड रेडियंट, आई एम एबल टू सी इट. ओके, वंडरफुल. सो वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. द मोमेंट द सन कम्स अप, you're going further into Om Rain Banave Namaha. So all this was not taught to me by anybody. किसी ने मुझे सिखाया नहीं है कि Om Rain और फिर Banave यहाँ पे करो. नहीं, it just came in those 108 सूर्य नमस्कार. जब मैं कर रहा था तब मुझे ऐसे कुछ कुछ हो रहा था और मेरे को इच्छा हो रही थी कि अभी विजुलाइज करना है. तो विजुलाइज करने के लिए आई जस्ट बेंड सो आई कैन विजुलाइज इट वेल. मैं अच्छे से विजुलाइज कर सकता हूँ, यू नो, आई कैन डू दैट. सो मैं सन भी देख रहा हूँ, उसके आसपास की आभा भी देख रहा हूँ, लाइट भी देख रहा हूँ. बढ़िया, उसको नमः 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 एंड देन आई एम गोइंग बिहाइंड. सो आई कैन सी द आभा, द ऑरा अराउंड द सन एंड आई बाव टू दी. सो विजुलाइज द ऑरा, द लाइट अराउंड द सन. ओके, ओम ह्रीम भानवे नमः. मंत्रों के साथ ही करना, ताकत के साथ करना. प्लीज डू योर सूर्य नमस्कार विद द मंत्र, इट गिव यू अमेजिंग पावर. देन व्हिच आई ऑलरेडी मेंशनड, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट अगेन, इज अभी सन वहां पर है, मैं यहाँ पर हूँ, बीच में पूरा स्काई है,
I can see the sun, I can see the aura, now I can see the sun spreading itself throughout the sky. Pure sky mein, pure asman mein, surya, uska tej, uski urja, uska prakash phaila raha hai. So, I can see the light spreading throughout the sky and I say, Om, Ram, Khagaya. Visualize that whole thing. Namaha, Namaha. Go back. Okay, so I can see the light spread throughout the sky and bow unto thee. Visualize the sky from the sun where you are standing, from where you are standing, changing its color. Sky ka change ho raha hai color. Just try and visualize that. Okay, try to get into that mode. Emotionally get into that mode. Visually get into that mode of connecting with the sun and the power of the sun. Okay, and the last part of the first cycle is common knowledge is a giver of nourishment and fulfillment. हाँ हाँ giver है, करते हैं, सबको nourishment करते हैं, लेकिन मुझे क्या, मुझे तो उसको कनेक्ट करवाना है. ओके, वी नीड टू फील दैट आई एम गेटिंग नरिशमेंट नाउ. सन गॉड नरिशमेंट देते तो जग जाहिर है, उसमें कौन सी बड़ी बात है, व्हाट्स अ बिग डील. ही इज बिहाइंड द होल आई मीन अर्थ इन टर्म्स ऑफ गेटिंग एनर्जी फ्रॉम डायरेक्टली इनडायरेक्टली वी आर गेटिंग एनर्जी फ्रॉम सन ओनली, बट हाउ इज इट कनेक्टेड विद मी. सो दैट कम्स व्हेन आई फील द लाइट. अभी स्काई से आ गया, स्काई से मेरे ऊपर डिसेंड हो रहा है. The light is coming down from the sky, it's descending on my head, it's descending on my shoulders, it's descending my entire body, aur puri tarah mere andar pura wo prakash andar tak aa raha hai aur mujhe pushne nama ho raha hai, mujhe pushti ho rahi hai. So om raha pushne namaha. I go back again, pehle namaskar ke sitting in first cycle to second. So visualize the light and the energy from the sun pouring onto your head and your shoulders and entire body. Simple to connect with, easy to relate with. Aram se aap dekh sakte hain ki kya logic hai, kya badhiya logic hai. Mitra aaya, ravaye kiran aayi, pura surya aaya, bhanave aaya, khagay aaya aur puchne, mujhe pushti mili. Whole sequence is logical. Aisa nahi ki कुछ पहले बता दिया कुछ बाद में बता दिया. नो 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 नो. लॉर्ड हनुमान हैज गिफ्टेड अस वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट एंड देयर इज अ प्योर क्लियर लॉजिक इनसाइड दिस. ओके, टिल हियर इट्स वेरी इजी टू रिलेट एंड कनेक्ट विद. नेक्स्ट पार्ट इज वेयर यू मे हैव अ चैलेंज इफ यू डोंट हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल बैकग्राउंड. अगर आपका स्पिरिचुअल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, एनर्जेटिक बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, थोड़ा सा चैलेंज आ सकता है, क्योंकि आपको लगेगा ये आदमी पागल हो गया. यू माइट फील दिस पर्सन हैज गॉन मैड. By the way, I'm a medical doctor from BJ Medical, one of the best medical colleges in the country. Highly scientific bent of mind, but very open to energy and spirituality. And I must have sat with at least 40 plus yoga teachers. 40 plus yoga teachers ke paas mein baith ke maine seekha hai, alag alag courses kiye hain. Abhi bhi karte hi rehta hoon, keep learning. And then usme mujhe jo anubhav aata hai, uske hisab se main aur kuch innovate karke karte keep doing. Whatever comes to me from that. So this completes the first cycle, which is the outer cycle, which is the gross cycle, the physical cycle. Now begins the deeper cycle, the second cycle, the inner cycle, the subtler cycle, the energetic cycle. And those who get this, jinko ye pakad mein aa jayega second cycle, unka uddhar hona guaranteed. You are going to completely transform yourself. Seriously, I'm not trying to be exaggerating at all. I'm speaking from experience. मेरे एक महीने के experience में बोल रहा हूँ. Okay? इतने सालों से सूर्य नमस्कार करते आया हूँ, कभी 108 कर नहीं पाया. I never was able to do it. Thanks to lockdown, I've been able to do it. Lockdown की वजह से और अधिष्ठान संकल्प की वजह से और कुछ कुछ दिव्य शक्तियों की वजह से हो पाया. And it's not a very big deal. ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल है, बहुत लोग कर पाते हैं. Many of them do. जो भी करेंगे बहुत ध्यान से करना, because ज्यादा सूर्य नमस्कार करने से कभी कभी वात और पित्त दोनों बढ़ जाते हैं. यू हैव टू बी केयरफुल. योर विंड एलिमेंट एंड योर फायर एलिमेंट कैन इंक्रीज टू मच. ओके, सो यू टू बी केयरफुल अबाउट इट. ओके, नाउ आई एम गोना गिव यू सम डीपर सीक्रेट्स व्हिच आई हैव अंडरस्टूड. अगेन दे आर नॉट फ्रॉम एनी बुक, किसी किताब में से नहीं है, किसी टीचर से नहीं है. जो उपचार है अंदर से जो फील हुआ है मैं बोल रहा हूँ. ओके, देयर इज नथिंग राइट और रॉन्ग अबाउट इट. व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू अंडरस्टैंड इट, लिसन टू इट, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल यूज इट. आपको इस्तेमाल करना है आपके सूर्य नमस्कार में. ओके, अगर आपको अच्छा लगे तो आपको इस्तेमाल करना है. तो व्हाट आर वी गोना डू इन द नेक्स्ट साइकिल, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट्स विद हिरण्यगर्भ. इट स्टार्ट्स विद हिरण्यगर्भ. हिरण्यगर्भ इज
a golden womb. Now that I'm getting this wonderful light and energy from you, what am I going to do? I'm going to create a nice womb, an oval-shaped energy secured place for myself, is what I'm saying. Now, in common knowledge, what happens is one who has a golden colored brilliance. That's common knowledge. Common knowledge mein bahut kam milta hai. Deeper wisdom kya bolta hai? With the light and nourishment that I've received, okay, I create a golden womb around me, and with that I bow. Aapki wajah se mujhe ye golden aura aur womb mujhe banane ko mil raha hai mere aas paas, aur main usme naman karta hu. So it's becoming very subtle now. You visualize golden aura in the form of light, oval womb forming all around you, and you say, Oh Ram Hiranya Garbha Namaha. And you go back. That's when you start the Supreme Spark. All these mantras have to be done at the beginning of the Supreme Spark, every cycle of it. And then you start visualizing that and you start being in that field. You can create that. With your intention, you can create energies around you. आप आपके संकल्प के साथ आपके आसपास ऊर्जा बना सकते हैं. गोल्डन ऑरा का एक गर्भ आपने बनाया थैंक्स टू द वंडरफुल सन. सो नाउ द इनर जर्नी बिगिंस. सम ऑफ यू विल बी फीलिंग ऐसे सही में होता है क्या? हाँ हाँ, हम कुछ भी कर सकते हैं. मन के स्तर पे क्या है, कुछ भी कर सकते, खेल भी सकते हैं. वी कैन प्ले अराउंड विद द माइंड एंड आवर इनर एनर्जीज एंड रियली क्रिएट मैजिक. ओके, कुछ भी कर सकते हैं अंदर. नाउ हिरण्य गर्भ जैसे ही होता है, फिर दूसरा उसके बाद जो चांट आता है, जो मंत्र आता है, वो है मरीचये नमः. तो मरीचये मतलब, इफ यू लुक एट द कॉमन नॉलेज, इट्स अबाउट गिवर ऑफ लाइट विद इनफाइनाइट रेज. वही बोरिंग क्या यार, हाँ सन गॉड आप, हाँ गिवर ऑफ लाइट हो, इनफाइनाइट रेज, उसमें मुझे क्या मिलेगा? इट्स नॉट गोइंग टू क्रिएट द मैजिक फॉर यू. द मैजिक विल हैपन व्हेन यू बिकम द मरीचये नमः. सो नाउ आई जनरेट इनफाइनाइट रेज from this golden womb around me and I bow unto thee. मतलब मैंने ये कच्चा बनाया पहले, you know, immediately नहीं बनता है. Visually you try to make it, you will not be able to make it immediately, it takes a little time. और फिर second time you are consolidating it. आप दूसरी बार जब कर रहे हैं उसको consolidate कर रहे हैं. You visualize the oval womb consolidating and light radiating in infinite directions all around you. बहुत दूर नहीं जा रहे हैं, right? थोड़े से ही दूर जा रहे हैं. Very much near you and you are becoming Marichaya Namah. So, Om Re Marichaye Marichaye Namaha. Go back and start this with Namaskar. Marichaye, which is like, you know, Marich Rakshas who kind of put himself into the golden, what do you say, deer, which, you know, Sita got attracted to. That's where the word comes from. So, Marich is like wonderful, very rich, coming from more from inside, and radiations of infinite rays coming out. Okay, so see the beauty. Okay, Hanumanji, great. Okay, sun is not there. First rays, full sun, light around it. Sky gets colored. Okay, mere andar pushti hui. Ab maine wo pushti leke that light, I have created a womb around me which is radiating little light. From here, Hanumanji goes even deeper. He goes even deeper. Next step, he says, "I'm going to go to your mother." अब यहाँ से मैं आपके source की ओर जा रहा हूँ. From the core of the sun to the source of the sun. Okay, now all these are stories and mythology and all that. The way you want to visualize is up to you. आपके ऊपर निर्भर है आपको कैसे visualize करना है. लेकिन अभी मैकेनिकली कॉमन नॉलेज का, यू आर द सन ऑफ अदिति योर कॉस्मिक डिवाइन मदर करके नमस्कार मानने में क्या मिलेगा? नथिंग, नथिंग ग्रेट, नथिंग ग्रेट. व्हाट यू विल गेट एनर्जी फ्रॉम इज, नाउ आई एनर्जेटिकली कनेक्ट विद द डिवाइन मदर थ्रू यू. मतलब ये मैंने वूम बनाया, ये मैंने मरीचये नमः थोड़ा सा रेस बनाई है. अभी नाउ आई एम गोइंग टू कनेक्ट टू माई कॉर्ड. मेरे यहाँ पे कॉर्ड है, आई हैव अ कॉर्ड. यू विजुअलाइज अ कॉर्ड ऑफ एनर्जेटिक कनेक्शन फ्रॉम योर हार्ट, फ्रॉम योर नेवल एरिया, आपके नाभि से, आपके हृदय से. वो कॉर्ड सूरज तक जा रही है, सूरज के बीच में जा सकती है और सूरज के बीच में से भेदन करके और दूर जा सकती है, जहां पर भी उनकी माता जी रहती है. वी डोंट नो वेयर हिज मदर इज, इवन आई डोंट नो वेयर शी इज, बट आई जस्ट विजुअलाइज दैट इज गोइंग बियॉन्ड द सन
into space, और गहराई तक मैं विजुलाइज करके दूर तक जा रहा हूँ विद दिस वंडरफुल विजुअल कॉर्ड इनसाइड मी. आई एनर्जेटिकली कनेक्ट विद द डिवाइन मदर थ्रू यू एंड आई बाव अनटू दी. आई कनेक्ट दिस कॉर्ड थ्रू माय हार्ट थ्रू द नेवल एरिया टू द सन एंड बियॉन्ड. सो यहीं पे आता है ओम फ्रॉम द हार्ट. ओम आदित्याय नमः. So you're connecting with the mother over there. The sequence, the whole thing, and I love the beauty with which it's unfolded. Jaise hi Aditya ke paas jaate hain, aap uske mother ke paas jaate hain, what are you going to get? You're going to get protection from her. And that's where the next mantra comes from. Om Rahim Savitre Namaha. You know, what is Savitri? Savitri has been traditionally, let's say, a lady, okay? And there are many, many names of Savitri of many, many divine ladies on this earth from India, okay? And they have been protectors of their husbands, protector of their family, you know? So now that I'm connecting with your mother, okay, what am I going to get? So common knowledge be one who is responsible for life, which maza nahi aaya. I mean, I didn't enjoy that interpretation so much, but I received the protection from the divine mother and I bow unto thee. And the way you can visualize it, you visualize a protective shield coming to you. You are receiving from the cosmic mother as a capsule of light all around you from far away. Matlab dur se ek bahut behtareen urja hai aapki aur aa rahi hai aur ek capsule bana rahi hai aur aap Om Savitre ke time visualize karna hai. Savitre Namaha. The full Surya Namaskar one more time. And now when you receive such wonderful energies, you create the golden womb. Aapne ek bahut behtareen golden womb aapke paas banaya, usko radiate kiya hai aur aapke cord se dur tak aap connect ho gaye aur wapis aapne capsule mein mil gaya. Aage kya hone wala? What's the next part of the story? You are going to ask for the arc, for the juice, for the extract. You want to grow in your health. आपको अच्छी तबियत कमाने के लिए आप सूर्य नमस्कार कर रहे हैं. Physically, emotionally, spiritually, you want to grow. And for that, what you ask for the mother is, give me the juice. So that's where you come to. Om Raum Arkaya Namaha. So you say, give me the arc. Arc actually is the juice, the extract from you and the divine mother. You is sun, aapse mujhe aapka arak chahiye. I want your core, your juice, and from the mother I want the juice. I want the main stuff to come into me emotionally, spiritually also, okay? This common knowledge, one is worthy of praise and glory. It's just maza hi nahi, not much you get out of it, okay? But the moment you're visualizing, okay, I'm getting some juice coming back, visualize the core energy, the extract of the juice of whichever color you like. It can be golden, it can be white, it can be lavender, whatever spiritual color you like, the juice is coming to you. When you're saying Om Raum Arkaya, why is the juice coming? The second last moment, second last mantra is the Ark. It's not in the beginning, it's not in the middle, the second last. You're asking for the juice, okay? And the juice is flowing back to you through the cord that connects you to the sun and the divine mother. Okay, aapke andar jo cord hai, ek aise rassi hai, jo bhi hai, urja mai connection hai, okay, dhaga hai, kirne hai, wo usi se aapko wapas ark mil raha hai, juice mil raha hai, wisdom mil rahi hai, bahut kuch seekhne mil raha hai. Aur jab aapko wo mil jata hai, when you get that, then what are you going to say? You say, wow, ahaha. The way you say, ahaha, ahaha, pushne namaha. You're saying, aha, raha, raha, you're liberated. You're saying, Om, ra, pushne, namah. You're giving me pushti, I'm feeling so nice. You say now, Bhaskaraya, Bhaskaraya, Om, ra, Bhaskaraya, namah. Okay, so I shine like you after receiving the juice extract. Now I shine in wisdom. Bhaskaraya, if you dissect that word, I think the common knowledge word is clear, giver of wisdom and cosmic illumination. But just you being the giver of wisdom and cosmic illumination is
fine, great, but what about me? I want to be like you. Mujhe Surya banna hai. I want to become like sun, shining like the sun. So how do I become that? Mujhe agar Surya banna hai, toh main kaise banu? Toh mujhe juice dena hai. Aur jaise mujhe milta hai, apne aap, main bhi bahut hi gyani, shaktishali, tejasvi ban jata hu. Okay, I shine with wisdom and illuminate everything around me. मैं जहां पर भी जाऊं वहां पर मेरी ओर से भी लाइट फैले, विजडम फैले. सो आई बिकम अ वाइजर सोल. मेरे अंदर का डिप्रेशन, मेरे अंदर का अकेलापन, मेरे अंदर की मायूसी, मेरे अंदर के लो मूड सब चले जाएं, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़े, मेरे अंदर क्लैरिटी बढ़े, मेरे जिंदगी की जो भी चैलेंजेस हैं फैमिली में, वर्क में, वट एवर चैलेंज आई एम गोइंग थ्रू इन द फैमिली, इन माई वर्क, may I get wisdom for that, may I illuminate all of that, and that's the state I want to be in. Mujhe wahan par pahunchna hai, mujhe khud bhaskara hai banna hai, main khud aapke jaise wise banna chahta hu aur illuminate karna chahta hu. Visualize that. So visualize yourself shining with sheer brilliance, supreme wisdom, with all the energy transfer that's happened to you and from you. Okay, let's do the second part once again, because this is the tricky part and something which is really esoteric, but I feel this is the way Hanumanji may have conceptualized it. I don't know, Hanumanji ne aise conceptualize kiya tha kya nahi mujhe malum nahi hai, lekin mujhe aise pratit ho raha hai ki yahi tha. Mechanically aap bahut badhiya hai, aap bahut badhiya hai, sun bahut badhiya hai, sun bahut badhiya karne mein kya milne wala hai, unke gun mere andar aaye. Okay, Ram ke gun hai, शिवाजी शिवजी के गुण है, यू नो सबके गुण गाते हैं, हनुमान जी के गाने गाते हैं हम लोग, ओके सबके गाने गाते हैं, लेकिन वो किसके लिए होते हैं कि उनके गुण अपने अंदर आए, व्हाटएवर गुड क्वालिटीज दे हैव, मे आई अब्सॉर्ब दैट. एंड सूर्य नमस्कार इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू डू इट, बिकॉज यू आर फिजिकली ऑल्सो मूविंग व्हाइल यू आर डूइंग दिस. सो आई जस्ट समराइज द लास्ट सिक्स. ओके, ओम राम हिरण्यगर्भाय नमः. सो द गोल्डन बूम. ओम रीम मरिचये नमः. गोल्डन बूम स्टार्ट्स कंसोलिडेटिंग एंड स्टार्ट्स रेडिएटिंग लाइट, थोड़ा बहुत उसमें से निकलता है. फिर ओम रूम आदित्याय नमः. स्ट्रेट अवे गोइंग टू योर सोर्स, टू योर मदर. ओके, कॉर्ड फ्रॉम द हार्ट एंड नेवल गोइंग अप. Om Raim Savitre Namaha. I am going to get protected. मैं आपके शरण में आ रहा हूँ माते, कॉस्मिक मदर, डिवाइन मदर, आदिति, फर्स्ट मदर. आदिति इज द फर्स्ट मदर. That's the decoding of that word. Okay. So from the first mother, I'm going to get lot of protection. मुझे protection मिलने वाला है. आपकी छाया में रहूंगा. You know, छाया, साया. I feel all these words are connected with Savitre Namaha. Okay, Savitre. So you get protected. So you get a good, nice encapsulation around you. And then you say, juice. Let the juice flow. Let the juice flow. Om Ram Arkaya Namaha. And the juices flow to you. Wisdom flows to you. Subtle information in packets flows to you of how to manage your life, how to manage your family, how to manage your work, all the challenges that you have. You can receive information. आपको वो सब information मिल सकता है जिसकी वजह से आपको जो भी आपकी जिंदगी में handle करना है, तकलीफ हो रही है, problem आ रहा है, उसका information उन क्षणों में मिल सकता है जब आप सूर्य नमस्कार कर रहे हैं. When you are doing the सूर्य नमस्कार and you are bowing unto the, अरे बाप रे इतने महान सूर्य भगवान के सामने मैं झुक रहा हूँ, gratitude दे रहा हूँ, thank you बोल रहा हूँ कि आप मुझे ये सब दे रहे हो, giving me something. And let me also shine like you. Bhaskaraya Namaha. So you say Om Ra. You can play around with the chants the way you feel like. Okay, not to get contracted in them. They are to open up your circuits. आपके body के मन के circuits को खोलने के लिए रहते हैं. Om Ra. Bhaskaraya Namaha. And you go for the wisdom. And you become a giver of wisdom. You become a giver of illumination in your life, wherever you go, जहाँ पर भी जाए, जिसके साथ भी मिले, जिसके साथ भी कुछ क्षण बिताए, उनको लगे यार इससे मुझे बढ़िया चीज मिली, क्या बात करता है, क्या सोचता है, वो भी थिंग्स
how he speaks is giving me wisdom. Few minutes with somebody can really transform us at times. So let me become like that Bhaskaraya. Bhaskare Bhyo bhi bolte hain. Okay, at times. And let me do that. So that's the whole sequence. The mystic mantra power of Surya Namaskar is not a mechanical praising of the sun. Sirf sun ko aap badhiya, aap light dete hain, aap ye karte hain, wo karte hain, usme nahi hai. Usko visualize karna hai. Look, if you don't visualize, you will not be able to emotionalize. Aapko visualize karna hai, dekhte aana chahiye, aur phir uske saath aapko emotions jodenge na, to aap chahiye wo actualize karenge. Visualize, emotionalize, actualize. Jo bhi aapko zindagi mein chahiye, sahi mein, uski aur aap ja sakte hain, agar aap acche se usko chitrikaran karke फील कर सकते हैं. वापस रिवाइज करता हूँ. मित्राय नमः. अभी तक आए नहीं है महाराज, आइए. रवय नमः. अरे दिखिए, आपकी किरण दिख गई. सूर्याय नमः. ओहो, रूम सूर्य है, पूरा सूर्य दिख गया. भानवे, अरे आपकी लाइट दिख गई आपके आसपास, बहुत बढ़िया. खगाय, अरे पूरे पूरे आकाश को आपने बदल दिया, जबरदस्त, बहुत बढ़िया जी, वेरी नाइस, यू चेंज द होल कलर ऑफ द स्काई. एंड देन यू से पुष्णे नमः. खगाय के बाद मुझे भी थोड़ी पुष्टि दे दो, मेरी और भी आने दो लाइट. एंड यू गेट द फर्स्ट नरिशमेंट. एंड नाउ दैट आई गेट नरिशमेंट, आई एम गोना गो डीप विद इन माई सेल्फ. एंड आई से ओके, ओम राम हिरण्यगर्भाय नमः. यू ऑल्सो हैव अ वंडरफुल गोल्डन वूम, व्हाई नॉट मी, आई एम ऑल्सो क्रिएटिंग अ वंडरफुल गोल्डन वूम. मैंने भी मेरे आसपास हिरण्यगर्भ को बना लिया है और उसको और सॉलिड करके उसमें से परिचय नमः, उसमें से लाइट रेडिएट करना मैंने थोड़ा थोड़ा शुरू किया है. और उसके बाद मुझे और आपसे ऊर्जा चाहिए, तो मैं आपसे और आपकी माताजी से मिलने वाला हूँ. I'm going to go straight to your mother through you. Om Reem, Room, Aditya. You go to the mother, and mother क्या? Mother तो blessing के लिए बैठी है, हमेशा protection ही देने वाली है. And Savitri flows back to you. And you say, Arkaya, थोड़ा और बाहर से energy आ गई, capsule आ गया, अंदर का juice दे दो मुझे अभी. So you say, Arkaya Namah, Om Raum, Arkaya Namah, Arkaya receive किया. Once you receive the juice, you say, okay, now, here I go. Allow me to become even more wiser and a big illuminator. And aap illuminate karne lag jate hain. Bhaskaraya Namah. Bhaskaraya. Bhaskaraya Namah. Om Shri Savitre Surya Narayanaya. Namaha, Namaha, Namaha. And this, main tadap raha tha ye sab aapse share karne ke liye. I was just waiting for an opportunity to share these wonderful insights with you, because when I thought I received these gems, मुझे ये कुछ हीरे मोती मिले हैं, सबसे सबके पास आने चाहिए, सबको मिलने चाहिए और सबको इसका फायदा होना चाहिए. So I just shared this with you. I hope you liked it. आपको पसंद आया. और जो भी practitioners या सालों से करते हो, some of you may be doing Surya Namaskar for years, but the moment you relate to what I'm saying, मैंने जो आपको analysis करके unravel किया है, actually एक पिटारा खुला है, खुल गया अपने आप. मैंने नहीं किया, खुलता गया, मैं करता गया, 108 सूर्य नमस्कार कुछ कुछ होता गया और बस ये सब निर्माण होता गया उसके अंदर. All this started just surfacing. So this outer cycle, you will take it up seriously, and the inner cycle, you will take it up seriously. Believe me, start doing 12 सूर्य नमस्कार every day. Your life will change. आपकी जिंदगी बदल जाएगी सही में. ध्यान से करना, प्यार से करना, सही तरीके से करना. ओके, and I'm just going to close with some insights on this. Health benefits jo medically hai, research wise sabse badhiya kaam hota hai lymphatic movement. Jo jakda hua khoon hai usko compress karta hai, lymph nodes ko compress karta hai. Jab upar niche karta hai, yahan par lymph nodes hai, niche lymph nodes hai aapke jaangon ke upar, wo sabka compression hone ki wajah se immune system badhiya hota hai. Immune system improves, cardiovascular health improves, aapki reed ki haddi supple banti hai, piche aage karne se. सिर्फ मंत्रों पे नहीं रुक जाना, पूरा सीक्वेंस करना बारह बारह सेट का. ओके, सो स्पाइन आपका सॉफ्ट होता है, स्ट्रेचिंग, फ्लेक्सिबिलिटी, ऑलमोस्ट सारे मसल्स टोन अप हो जाते हैं. वेट मैनेजमेंट के लिए बढ़िया है, कमर का घेरा कम होने में फायदा होता है. ग्लाइसेमिक आउटकम्स मतलब शुगर लेवल भी उनके फायदे होते हैं. इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होने में मदद होता है. ओके, बिकॉज इन्फ्लेमेशन कम होता है, सूजन कम होती है बॉडी में. सेल के लेवल पे ऑक्सीजन ग्लूकोज का रिक्वायरमेंट बढ़ने से सर्कुलेशन अच्छा होता है, पूरे बॉडी में सर्कुलेशन होता है. ऐसे ही पूर्ण व्यायाम नहीं कहा गया सूर्य नमस्कार को, उसका लाभ लो, प्लीज बेनिफिट फ्रॉम दैट. ओके,
नर्वस सिस्टम के लिए बढ़िया है, कॉग्निटिव फंक्शंस बच्चों के लिए बढ़िया है, ओके okay? और सही में फॉर ऑल इमोशनल प्रॉब्लम्स आई फील सूर्य नमस्कार इज अ वेरी वेरी पावरफुल टूल, एक्सट्रीमली पावरफुल टूल, डिप्रेशन, लो मूड, लेथार्जी, थकान, सबको हटाने के लिए चेयर सूर्य नमस्कार से शुरू करो। अगर आप नॉर्मल सूर्य नमस्कार नहीं कर पा रहे हो, कुर्सी के ऊपर करो, स्टार्ट विद चेयर इफ यू कांट डू नॉर्मल, एंड देन ग्रो एनर्जेटिकली, कनेक्ट, बिल्ड योर एनर्जीज, बिल्ड योर ऑरा, बिल्ड योर विजडम, एंड देन ग्रो confidence, clarity and wisdom. I am experiencing that I am becoming wiser. थोड़ा और होशियार, थोड़ा और ज्ञानी, थोड़ा और समझदार बन रहा हूँ. It's happening. Literally, it's happening in the last 40 days. बहुत मजा आ रहा है. So it's a great exercise for overall health. Strengthen your body, strengthen your mind, strengthen your soul. आत्मा के स्तर पे लेके जाने वाला है. और योगाभ्यास का वही खास है. The greatest positive psychology that the world awaits to embrace now is yoga. Yog se log positive bante hain. Bahut researches hain, advanced researches hain. Aur yog ko humne apnana chahiye. Aur uske andar surya namaskar mein jo yog ka ek bahut hi bada bhag hai, uske andar pakna chahiye. We need to really mature ourselves in doing the right way of surya namaskars. Before you begin, thoda warm up is very very important. और मैं वापस याद दिलाता हूँ, अक्षर योगा, ग्रैंड मास्टर अक्षर, उनको वापस एक बार प्रणाम, क्योंकि वे से रीकनेक्शन हुआ मुझे योगा से इन डिफरेंट वे. क्या बढ़िया वार्म अप्स लेते, सूक्ष्म व्यायाम, थोड़े आसन पहले और फिर अच्छे से उनका सूर्य नमस्कार होता है और फिर बाद में क्वेश्चन आंसर एंड स्टोरी. तो प्यार में पड़ गया हूँ. सुबह सुबह 8 बजे फेसबुक लाइव फ्री ऑफ चार्ज, ग्रैंड मास्टर अक्षर, अक्षर योगा का बहुत ही बढ़िया वार्म अप. प्लीज डू अ प्रॉपर वार्म अप. And please watch Akshar Yoga for doing it properly in the physical way also. Restlessness pura nikalna zaruri hai. Purv paschim ki aur disha rehna bahut zaruri hai. Subah purva ki aur sham ko paschim ki aur, you know, surya ko grahan karna hai. Aur samay aisa rehna hai ki aap pet mein khali rahe, kam se kam 2 ghante ka khane ka gap rehna chahiye, okay? Final words meri aur se, jaate jaate kuch meri aur se words yahi hai. It can give you an experience of complete sadhana. Surya Namaskar se aapko puri sadhana ka ek anubhav aa sakta hai. Asana, physical part, pranayama, breathing, posture and breathing, kitna badhiya part hai iska. Breathing in, go back. Breathing out, come down. It's amazing. Aur jab aap bahut sare repetitions karoge, 24 karoge, 36 karoge, 48 karoge, then you will realize that breathing becomes even more important. If you don't breathe correctly, you don't get power. Breathing बहुत important है. Mantra chants, gratitude, प्रेम भाव, कृतज्ञता का भाव और ताकत, power, feeling really powerful with complete energy channelization. वहां से energy, अंदर की energy, जाने वाली energy, complete energy channelization. और जब आप उसमें और गहरे जाते हैं, उसको visualize करते हैं, शब्दों के प्रकंपनों को शरीर के सर पे अनुभव करते हैं, you try and experience the sounds at the level of the body, okay, the vibration that it creates, you will be creating an ethereal experience. Aap ek aisa anubhav karenge jo aapne pehle kabhi socha na ho. So sabko bahut bahut swagat hai surya namaskar ko wapis discover karne ke liye. Please discover surya namaskars once again. Surya namaskars are just too powerful, and you know, there's a lot to really discover, channelize and grow in Surya Namaskar. So please, सबके सब ध्यान रखेंगे और सूर्य नमस्कार को और अच्छे से सीखेंगे और अच्छे से करेंगे आप, पक्का, प्रॉमिस, हाँ. ओके, जाते जाते हमारी आखिरी स्लाइड फ्रीडम फ्रॉम डायबिटीज की. कुछ भी लगा, डायबिटिक हो, मोटे हो, या बीपी, कोलेस्ट्रॉल या कुछ हो आपको और आपको मुक्ति चाहते हो, तो 777-760 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वेबसाइट पे जा सकते हैं. ऑनलाइन पूरा कार्यक्रम होता है, 7-8 साल से हो रहा है, हजारों लोग फ्री हुए हैं, इनोवेट करते रहते हैं, वी कीप इनोवेटिंग आवर होल जर्नी एज वी मूव अलॉन्ग. सो दिस वाज अ स्मॉल इनोवेशन विच हैज अ एक्सपीरियंशियल इनोवेशन, नॉट कॉपीड फ्रॉम एनीवेयर. किसी ने नहीं बताया, किसी से खरीदा नहीं या ये नहीं लिया, अपने आप उपजता गया, करता गया, उपजता गया. मंत्र तो पहले से ही है, मंत्रस आर देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम. बीज मंत्रा भी है और मित्राय से भास्कराय भी है, बट उनको समझना, उनको रिलेट करना, कैन आई रिलेट विद देम, क्या इंटेलेक्चुअली बस याद है मंत्र,
इंटेलेक्चुअली याद करके बहुत कम पावर मिलने वाली है. उनको याद करके उनको फील करो, उनको विजुलाइज करो, उनको एक्चुलाइज करो, इमोशनलाइज करो, ताकत कमाओ, सूर्य के जैसे बनो, सूर्य के जैसे बनो, सूर्य के जैसे बनो. बिकम लाइक द सन, बिकम लाइक द सन, रेडियंट, वाइज एंड ब्राइट. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच. विश यू ग्रेट हेल्थ, ग्रेट हेल्थ, ग्रेट हेल्थ, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली. ग्रेट हेल्थ थ्रू दिस वीडियो, थ्रू दिस प्रैक्टिस एंड द पावर, मिस्टिक पावर्स अनरावल टुडे ऑफ सूर्य नमस्कार.